तो दिस वॉज ए वेरी गुड चांस अगर वो आ जाते गनी साहब, वो तो यहाँ पर एक अच्छा चांस था कि हम इस टेंशन को डिफ्यूज कर सकते थे, मगर मुझे लगता है कि उन्होंने उनको कुछ गैर मामूली कॉन्फिडेंस है। सही। और ये कॉन्फिडेंस मैं आपको बताता हूँ सिर्फ इंडिया की वजह से नहीं है, देखिए चार फैक्टर्स हैं इसके अंदर। आपने देखा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कमिटमेंट हुई थी जो डॉलर की उनके लिए, बिल्कुल उसमें जापान से लेकर और यूनाइटेड स्टेट्स तक शामिल है, इससे इंडिया का फैक्टर बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यूरोपियंस वगैरह भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो खड़े हो गए पाकिस्तान को मुंह दर मुंह कहते हैं। दूसरी ये कि बड़ी नाहल हुकूमत है इनकी, गनी साहब की कर्जई से भी ज्यादा नाहल हुकूमत है। उन्होंने हमेशा एक तरीकाकार रखा है, गुज़िश्ता दो साल से तालिबान ने बड़े जानेआने अख्तियार किया हुआ है, बड़े एग्रेसिव मूड में है, बड़ा उनके इलाकों को उन्होंने कब्जा किया, या फिर जो अभी आज ड्रोन अटैक में कल जो मारे गए हैं इनका भी मतलब आप पूरा कब्जा करके बैठे हुए थे वो, तो वो क्या करते क्या है कि अपनी तमाम नाहली का इल्जाम जो है पाकिस्तान पे रख देते हैं। सही सही। पाकिस्तान ने दो तीन मरतबा कोशिश की कि इसको डिफ्यूज करे, लेकिन वहां शायद हार्डलाइनर्स जो है वो नहीं करने देते। मैं भी मैं ये कहूंगा पाकिस्तान में भी हार्डलाइनर्स हैं जो वो इसको नहीं करने देते, लेकिन आखिरकार मैं समझता ये हूं कि ये फोरम जो है जैसे इको वगैरह का, इसके अंदर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जी अफगानिस्तान के ऊपर से गुजर के और बायपास करके, ये बायपास करने का मामला नहीं है। इट इज द क्वेश्चन इज के वेयर यू डिटरमाइन अफगानिस्तान को बायपास करके आप कैसे वो ये करेंगे। इकोनॉमिक्स का भी मामला नहीं है ये, ठीक है इकोनॉमिक्स का हमें हर सूरत के अंदर, नहीं तो फिर हमने ये जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का क्या वो किया था कि जी हमने अफगानिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा दखलंदाजी की थी, वो तो फिर सारी की सारी ओवरटर्न हो गई। इसका मतलब है हर चीज ही हमारी गलत निकली, क्या कैलकुलेशन। तो हमारे को आफ्टर ऑल एक पेज पे जाना पड़ेगा, वो मजाकरात का पेज है। मैंने पहले भी क्या, अब अगर कोई भी इसका पैटर्न है, सपोजिंग हम ब्लेम करते हैं इंडिया, तो देखिए अभी टर्की के अंदर क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ने, जिसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे क्रिटिसिज्म, वो पाकिस्तान ने तो ये ना हर एक को क्रिटिसाइज करने, उन्होंने कहा हमने एजेंडा इस बात पे लिया था कि वी विल टॉक विद इंडिया वट एवर में हैपन। क्या उनको पता नहीं था कश्मीर का मसला है? उन्हें पता था, बट ही ऑल्सो नोज वन थिंग कि आखिरकार ये सारे मामला जो है, चाहे कश्मीर हो चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, दे विल बी सेटल्ड ऑन द टेबल। ये सिफारती तरह है, जमीन साहब इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आर्मीज कैन नॉट सेटल दिस, यू विल हैव टू सेटल इट ऑन द टेबल। आपको चाहे और मैं समझता यू बेटर टू टॉक विद स्टेट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मिलिट्री आउटफिट। लेट्स टेक अ डिफरेंट ओपिनियन। बेहतर तरीका ये होता है जो चाइना ने अपनाया है। क्या वो जंग कर करके लोगों के साथ मजाकरात के ऊपर जा रहा है? अमेरिका के साथ क्या जंग करके मजाकरात पे गया है? क्या वो ताइवान के मसले पे जंग करके वो कर रहा है? आप चाइना का दुश्मन ले बोलने तो दे। आपको विन विन पोजीशन पे आने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे जो चारों तरफ आपके हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरी स्टेट अराउंड यू इट इज गोइंग फॉर एन इकोनॉमिक एजेंडा। आप और दिस गवर्नमेंट इज डूइंग अ करेक्ट थिंग, गो इट्स अ वेरी लॉन्ग वे। एक दिन में यह नहीं होगा। अब पाकिस्तान इतना पीछे चला गया है कि इसे करते करते चाहे आप किसी किस्म के दादे शुमार पेश करें, मगर दिस इज एटलीस्ट अ करेक्ट डायरेक्शन। आपको करना ये होगा कि अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग करें, और चाइना आपको बार बार यही मशवरा दे रहा है जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, अमेरिका भी आपको यही मशवरा दे रहा है। आप अपने आप को पहले इस स्ट्रेंथ की पोजिशन में ले आइए। स्ट्रेंथ इज नॉट सिंपली मिलिट्री, इट इज मिलिट्री प्लस इकोनॉमिक प्लस पोलिटिकल स्ट्रेंथ, ताकि आपको लोग बाय करें। जी आपको ये जरूर देखना होगा कि आपकी पोजीशन क्या है, उसके बाद आप जाइएगा एक इसका डिप्लोमेटिक।